सेक्स इन्फो चैनल में खुश आमदीद इस्लाम वालेकुम। ये जिंसी मालूमात का ऑफिशियल चैनल है। इस चैनल में आपको तमाम मालूमात जैसे जिंसी तजावीज़, लड़कियों के मसाइल, लड़के के मसाइल, शादी की तजावीज़ और बहुत कुछ। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, शुक्रिया। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप अपने वुज़ू के लाकरपन, कमज़ोर वुज़ू और वो उज़ू उस वुज़ू की वजह से परेशान है जो हम बिस्तरी के वक्त तनाव या अकड़ता नहीं है, तो इस टाइप के वुज़ू के लिए जो कि कमज़ोर है, लागर है या फिर हम जिसका तनाव कम है, ऐसे वुज़ू के लिए मैं आज की वीडियो में एक खास रेमेडी लेकर आई हूँ। इसके अलावा अगर आपके वुज़ू में इतनी ताकत नहीं है या आप अपनी जवानी को खो चुके हैं या आपकी उम्र 80 साल को पहुंच गई हो और आप बिस्तरी के काबिल नहीं रहे और आपकी बीवी की डिमांड्स आपके साथ बहुत ज़्यादा हैं, तो एक ऐसी रेमेडी है कि 80 साल का बूढ़ा भी जवानों की तरह एक ही रात में दो दो बार हम बिस्तरी करें। उज़ू की कमजोरी या उज़ू के लाकरपन या उज़ू का झुक जाना या उज़ू का वक्त पे खड़ा ना होना या अकड़ना या तनाव पैदा ना होना की बहुत सारी वजूहत होती हैं। इसको हम बार बार अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। या वो वैसे तो कहा जाता है कि मर्द कभी बूढ़ा नहीं होता, लेकिन वो लोग जो कि 30 साल, 40 साल या 50 साल की उम्र में अपने आप को कमज़ोर, निर्धार या बूढ़ा सा महसूस करते हैं और ये समझते हैं कि वो बिस्तरी के काबिल नहीं रहे, अपनी बीवी की डिमांड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए। तो उज़ू का लाकरपन, झुक जाना, सबसे पहले तो आपकी डाइट की, आपके रूटीन ऑफ लाइफ यानी डेली जिस टाइप का आपका रूटीन है, अगर आप वॉक नहीं करते हैं, अगर आपको कब्ज सह रही है या आपको और इश्यूज हैं, तो इस वजह से भी आपका वुज़ू लागर हो जाता है, झुक जाता है। या आपकी कुछ ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें सेक्स से रिलेटेड बातें या सेक्स से रिलेटेड तस्वीर देखना ज्यादा है, तो उस टाइप की एक्टिविटीज भी आपके वुज़ू को बर्बाद कर देती हैं और हमारे ठहरने के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप अपने लाइफ स्टाइल को दुरुस्त कीजिए, अपनी एक्टिविटीज जो कि इस टाइप की है, वल्गर एक्टिविटीज है, तो उसको तर्क कीजिए, वरना आप फिर बहुत ज्यादा परेशानी का शिकार हो जाएंगे। तो आज आपके लिए जो मैं रेमेडी लेकर आई हूँ बहुत ज्यादा ईजी, बहुत ज्यादा सस्ती और बहुत ही आरामद है। जवानी के साथ साथ आपके पेट के जो अमराज है उसको भी ये रेमेडी जो है हल करती है, क्योंकि हमारी अगर निज़ाम, मैदे का निज़ाम सही नहीं होगा, अगर हम खुराक से इसे डाइजेस्ट नहीं करेंगे, तो जाहिर सी बात है ये तमाम चीज़ें हमारी सेक्सुअल एक्टिविटीज, हमारी इस दबाजी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से मुतासर करती हैं। तो वो लोग जिनका वुज़ू लागर, झुका हुआ, कमज़ोर या वक्त पर अकड़ता नहीं है, या जिनके यहाँ बच्चे नहीं हो रहे हैं, जिनकी बीवी हमला नहीं हो पा रही, या वो लोग जो कि 40 या 50 साल या 60 साल की उम्र को पहुंच चुके हैं लेकिन बीवी की डिमांड्स या बीवी की सेक्चुअल डिमांड्स को पूरा करने के काबिल नहीं रहे, तो ये रेमेडी आज की उनके लिए बहुत ही अहम और बहुत ज़बरदस्त और बहुत ही सस्ती है। तो सबसे पहले आपने लेना क्या है, कीकर के पत्ते, ठीक है, कीकर के पत्ते, कीकर की फलियाँ, कीकर के फूल, कीकर की छाड़ और गूंद लेकर क्या चीजें लेनी है, कीकर के पत्ते, कीकर की फलियां, कीकर के फूल, कीकर की छाल और गूंद लेकर आपने हम वजन नहीं ड्राई कर लेना है और फिर ड्राई होने के बाद इसको एक पाउडर सा बना लें। फिर इन सबको आपने चीनी शामिल करके सुबह व शाम ताज़ा पानी से एक चम्मच लेना है। चंद दिनों के इस्तेमाल से आप देखेंगे कि आपके वुज़ू का लागरपन, कमजोरी, झुका हुआ होना, लटका हुआ होना, ये दूर होना शुरू हो जाएगा और वक्त पे हम बस्ते के बाद आपके वुज़ू में भरपूर झुकाव और तनाव, भरपूर तनाव और अकड़ पैदा हो जाएगी और आप हम बिस्तरी की जो अमल है, हम बिस्तरी वाला जो प्रोसेस है, बहुत शानदार तरीके से करेंगे और आपका मज़ा और लुत्फ पैदा हो जाएगा। इसके अलावा वो लोग जो अपने आपको लागर समझ रहे हैं, कमज़ोर समझ रहे हैं, जो समझते हैं कि अब बीवी की ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर पाते, तो उनके लिए ये रेमेडी ज़बरदस्त है, इस्तेमाल कीजिए। फिर मुझे अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा कि आपको 100% रिजल्ट इसके मिले या नहीं मिले।